ससुराल वालों के साथ भाई राहुल की यात्रा में पहुंची प्रियंका, बीजेपी को लेकर कह दी बड़ी बात। मुरादाबाद पहुंचकर प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इस यात्रा में मैं पहली बार अपने ससुराल वालों के साथ आई हूं। इस दौरान प्रियंका ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बदलाव तभी आएगा जब आप अपनी परिस्थितियों को देखकर अपना वोट देंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपने भाई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आपको याद होगा कि 2 साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान मैं यहां थी, फिर भी आपने बीजेपी की सरकार चुनी, योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री बनाया, तब और अब के बीच क्या बदलाव आया। आप अपने अनुभव से सीखे कि पिछले 10 साल में आपको क्या मिला है। योगी मोदी सरकार पर बोला हमला। प्रियंका ने कहा कि अपनी परिस्थितियों को देखें और सोचें कि आखिर मोदी सरकार से आपको क्या मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बदलाव तभी आएगा जब आप अपनी परिस्थितियों को देखकर अपना वोट देंगे। वहीं पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को रोकने के लिए हमने घोषणा पत्र में जॉब कैलेंडर और एक कमीशन बनाने की योजना बनाई थी जिसमें परीक्षाओं और नियुक्तियों की तारीखें पहले से तय रहती हैं ताकि गड़बड़ियों को रोका जा सके। सिर्फ निर्दोषों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। प्रियंका ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। किसान कल भी प्रदर्शन कर रहे थे, किसान आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। उत्तर प्रदेश में किसानों को अपनी जीप के नीचे रौंदने वालों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों और पेपर लीक करने वालों के घर पर बुलडोजर नहीं चला। इस सरकार में दोषियों पर नहीं सिर्फ निर्दोषों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। बता दें कि प्रियंका राहुल गांधी के साथ मुरादाबाद से अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा होते हुए रविवार को फतेहपुर सीकरी पहुंचने पर साथ रहेंगे। रविवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल की इस यात्रा में शामिल होंगे। बता दें कि सपा के साथ सीट बंटवारे में प्रियंका का अहम योगदान है। बता दें कि कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।